नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि हमारी लगातार कोशिश रहती है कि खास करके सब डिवीजन छात्रों के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की जितने भी मुश्किल हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करते हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इंद्रवाल के MLA प्यारेलाल शर्मा जी हैं। कि करप्शन को लेकर के आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं एक आदमी करप्शन को खत्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैक्सिमम करप्शन खत्म हो जाए। क्योंकि अगर हम इलेक्शन की पहले की बात करें तो जितने भी बार हमने आपके साथ बात की तो बार बार आपसे हमने ये पूछा और आपने भी ये बताया कि इन 10 सालों में जहाँ करप्शन को कम होना था वहाँ करप्शन ज्यादा हुआ, और अब इस चीज को कंट्रोल करना आपको लगता है कि कितने टाइम तक जो है और कितने हद तक आप इसको कंट्रोल करेंगे, खास करके इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में? जहां तक मुझे लगता है कि जितने ऑफिसर आप आज देखा होगा आपने, मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सब डिपार्टमेंटों की मीटिंग ली, गेट टुगेदर हुआ, जहां तक मुझे लगा सारे ऑफिसर अच्छे हैं, काम करने वाले हैं और वो ध्यानदारी से काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे और इंद्रवाल की एक खुशनसीबी होगी कि हम डेवलपमेंट करेंगे, बेरोजगारी को कम करने की कोशिश करेंगे और हर सहूलियत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो हमने वादे किए हैं इलेक्शन में, मैक्सिमम 90%, 100% अगर ना भी हो तो 90% श्योर हूँ मैं कि मैं जो अपने वादे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से किए हैं मैंने वो पूरे करूंगा। अगर हम इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है किथर से शुरू होती है और सकनाई में खत्म होती है। अब यह है कि हमारे इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मड़वा और वोडवन बहुत बड़े दो एरिया है, 6 महीने वो पूरी दुनिया के साथ कट रहते हैं, वहां पर नेटवर्क भी नहीं है, अस्पतालों का हाल भी बुरा है, स्कूलों का हाल भी बहुत बुरा है, तो कब तक इन चीजों को जो है आप सही करेंगे? देखिए, ये 50 साल की बीमारी है तो मुझे अभी तो 2 ही दिन हो गए हलफ उठाए हुए को, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने देखा बगैर मेरे हलफ के ही मेरे CM साहब वहां पहुंचे, जो हादसा हुआ था, जो मैंने डिमांड मड़वा वार्ड 1 के लिए की तो मेरे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये सारा मैं पूरा करूंगा और टाइम लगेगा, पैसे की जरूरत पड़ती है, टनल बनाना है। मुझे लगता है कि एक चीज जो है विद इन 10 डेज मेरे CM साहब वो अप्रूव करने वाले हैं कि हम उनको 68 करोड़ रुपया बिजली के लिए, जिसमें 2 रिसीविंग स्टेशन है, एक मड़वा में, एक वार्ड 1 में, और कहीं ट्रांसफार्मर है, बिजली लाइन है, देने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सर्दियों में टेंडर प्रोसेस होगा क्योंकि काम वहाँ हो ही नहीं सकता है, तो मार्च में बिजली का काम शुरू होगा और आने वाले 10 दिसंबर तक हम मड़वा वार्ड 1 में पूरे इलाकों में बिजली पहुंचाएंगे। तो मड़वा और वार्ड 1 के लोगों की अरसे दराज से मांग थी भूडा चंजर टनल, कब उसका काम शुरू कराएंगे आप? मुझे लगता है असेंबली खत्म होने के बाद मैं इस पे एक्सरसाइज करूंगा और अपने चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट भी की है, उन्होंने यस भी किया है वहाँ, तो उसमें प्रोजेक्ट बनाने का, DPR बनाने का प्रोसेस जो है लंबा प्रोसेस है, मुझे उम्मीद है 1 साल के अंदर अंदर इस पे काम शुरू हो जाएगा। अब हम वापस अपने छात्रों की ओर अगर देखेंगे तो छात्रों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है और सड़कें नहीं है, खास करके अगर आप दिछड़ इलाके की बात करूं मैं, बाकी खावड़ा इलाके की बात करूं जहां पर नेटवर्क नहीं है, दिछड़ इलाके के अंदर जो है सड़क नहीं है, या किथर इलाके की मैं बात करूं वहां पर भी सड़क नहीं है, नायगाम एरिया है जहां पर नेटवर्क नहीं है, तो उन चीजों को कब तक? मैं अपने छात्रों मुगल मैदान केशवान के लोगों से ये यकीन दिलाना चाहता हूं उनको कि ये जो बीमारी है, रोड, पानी, बिजली, 1 साल के अंदर अंदर ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अगर हम डिग्री कॉलेज छात्रों की बात करें तो पिछले 15-16 सालों से जो है उस कॉलेज पे काम चल रहा है और अभी भी जो है वहाँ की बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई और उसके साथ साथ सिर्फ आर्ट्स वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, मेडिकल स्ट्रीम वहाँ पर नहीं है, जो भी बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करना चाहते हैं यहाँ तो उनको भद्रवाह या किश्तवाड़ का रुख करना पड़ता है, तो आज आप ऑन कैमरा लोगों को बता दीजिए कि कब तक जो है डिग्री कॉलेज का काम आप मुकम्मल कराएंगे और उसमें मेडिकल स्ट्रीम भी शुरू कराएंगे? मुझे अपनी गवर्नमेंट पे फख्र है, अपने CM साहब पे फख्र है, मैं उनसे ये पूरी कोशिश करूंगा कि वो छात्रों जब आए तो यहाँ कॉलेज जहाँ साइंस भी पढ़ाई जाएगी उस सब्जेक्ट का, और इस बिल्डिंग को स्पीड अप हैंडओवर करने के लिए वो ऐलान करेंगे और इस पे गौर करेंगे।
बाकी स्कूलों की अगर मैं बात करूँ, मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल छात्रों है, हाई स्कूल चिनगांव है, हाई स्कूल पासरकोट है, हाई स्कूल सेंगपोरा है, यहाँ तो इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए बच्चों को स्टाफ नहीं है, यहाँ तो बैठने के लिए जगह नहीं है। जो हाई स्कूल चिनगांव है वो लगभग 120 साल पुराना स्कूल है, वहाँ पर 13 बच्चों को बैठने के लिए जगह है, और वहाँ के लोगों की मांग थी कि हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग भी चाहिए और उसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए और भी उस्ताद चाहिए, और वहाँ पर जो है खास करके हाई सेकेंडरी वहाँ पर होनी चाहिए थी, क्योंकि दूर दराज इलाकों से वहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, और आज भी जो है ग्रिप के टूटे फूटे शडों और नीचे जमीन पर बच्चों को जो है बैठ करके तालीम हासिल करनी पड़ती है। और कितने टाइम तक जो है आप इस हाई स्कूल को बनवाएंगे और इसको अपग्रेड भी करेंगे हाई सेकेंडरी में, क्योंकि दूर दराज इलाकों से बच्चे आते हैं और काफी ज्यादा मुश्किल होती है बच्चों को? देखो, बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है, सभी जानते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, ये सीजन पे होता है, आने वाले तो 3-4 महीने है वो कोई कंस्ट्रक्शन का काम उसमें नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अगले साल जितने 4-5 स्कूल मेरे नज़रों में है जिनको हायर सेकेंडरी बनाना है, मुझे लगता है कि 11वीं की क्लासें वहाँ शुरू हो जाएंगी। आपको याद ही होगा कि सिगदी के अंदर जो है कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी हॉस्टल बिल्डिंग बनाई, आपके घर के सामने भी बनी है, सेंगपोरा के अंदर भी बनी है, तो सिर्फ ये बिल्डिंगें जो है बनी हुई है, अभी तक लोगों को यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, जो मशीनरियाँ होनी चाहिए थी वो भी नहीं है, तो इन बिल्डिंगों के अंदर प्यारेलाल शर्मा जी कब तक डॉक्टरों को लाएंगे? 2-3 महीने में ये सारी कमी पूरी हो जाएगी। आज की मीटिंग में ये तय हो गया है कि मैंने बीएमओ साहिबा जो मीटिंग में थी उससे सवाल किए कितनी डॉक्टर पोस्टें हैं, कितने खाली हैं, अगर डॉक्टर हैं अटैच हैं कि अपनी पोस्टिंग करवाई है उन्होंने, वो डाटा मुझे शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर मिलेगा, वो डाटा मैं अपने सरकार अपने मंत्री के पास पहुंचाऊंगा और इस पे एक्सरसाइज करके ये कमी पूरी करवाओ। बहुत सारे लोगों ने जो है हमसे कहा है कि प्यारेलाल शर्मा जी से एक सवाल आप जरूर पूछें, जो पीएससी छात्र है वहां पर स्टाफ है मगर बहुत कम है, रात के लिए वहां पर स्टाफ बहुत कम है, छोटा से छोटा बुखार होगा तो वो कहते हैं कि आप रेफर जो है पेशेंट को किश्तवाड़ करो, और कुछ डॉक्टरों ने वहां पर जो है अपनी लैबोरेटरियां बाहर खोली है और जो अंदर टेस्ट होने चाहिए थे वो लोगों को बाहर टेस्ट करवा रहे हैं, इस माफिया को प्यारेलाल शर्मा जो है कब तक बंद कराएंगे? आने वाले वक्त का इंतजार करो, ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, 2 दिन हो गए अभी इतने सवाल पूछना आपका फर्ज नहीं बनता मुझे। मगर लोगों ने मुझे कहा कि प्यारेलाल शर्मा जी से आप ये जरूर सवाल पूछें, क्योंकि अगर हम अपना टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हैं, वहां पर 12 बजे 1 बजे स्टाफ आता है और 3 बजे वो गायब हो जाता है, अगर हमें रात में जाएंगे तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि आप किश्तवाड़ रेफर हो जाओ। मैं कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द इस सिस्टम को ठीक करें, हमें हेल्थ फैसिलिटी को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा और इसके लिए मैं पाबंद हूँ, मैं वादा पाबंद हूँ, लोगों का भी जो मैंने वादे किए वो पूरे हो जाएंगे। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सेंगपोरा वायलू टनल को लेकर के, क्योंकि आज तक बड़े बड़े वादे जो हैं, बड़े बड़े दावे, सभी हुकूमतों ने अपने अपने दावे किए, अब जो है 10 साल के बाद कहीं ना कहीं लोगों की चुनी हुई सरकार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को मिली, और कब तक जो है सेंगपोरा वायलू टनल का काम लगेगा? देखिये छात्रों, सेंगपोरा वायलू टनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन भी किया है, टेंडर प्रोसेस भी हुआ था, टेंडर भी हुए थे, किसी टेक्निकल कारण उसको कैंसिल किया गया है, तो मैं यहां से जाके ही अपने मंत्री साहब जो हमारे डिप्टी सीएम के पास ये आरएनबी डिपार्टमेंट है उनसे मुलाकात करूंगा और उनको बोलूंगा कि इसका टेंडरिंग प्रोसेस जो है विद इन 1 मंथ हो जाए और आने वाले मार्च तक इस टनल का काम लगे। छात्रों में टूरिज्म को टूरिज्म हवाले को लेकर के प्यारेलाल शर्मा आगे कौन से इकदाम जो है उठाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर टूरिस्ट यहाँ पर आएगा, बैरूनी टूरिस्ट आएगा यहाँ पर, जो बेरोजगार नौजवान हैं वो भी रोजगार कमा सकते हैं, और लोगों का कुछ कहना था कि जो अलूफान सिंतन है वहां तक जो है सर्दियों में बर्फ हटाने का काम तो जारी रहता है मगर वहां तक जो है गाड़ियों को छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि अगर हम बाकी जगहों की बात करें चाहे भद्रवाह, पत्नीटॉप, यहाँ कश्मीर, बहुत सारी ऐसी जगहों पर जो है टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, किश्तवाड़ में भी हमारी एक आलू फार्म ऐसी जगह है जहाँ पर सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फ होती है, वहां पर स्नो गेम्स वगैरह भी खेली जा सकती है, क्या इस बार आपकी कोशिश रहेगी कि आलू फार्म सिंतन तक जो है रोड खुली रहेगी और टूरिस्ट वहां पर आ सकता है और जो बेरोजगार नौजवान है वो भी थोड़ा सा अपना रोजगार कमा सकते? देखिए मेरी बात सुनिए, सिंतन ऐसी जगह है जो सबसे टॉप टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन हमें सबसे पहले इसको इस मुकाम पे पहुंचाना है कि अगर टूरिस्ट आएगा उसको पहले रहने सहने का बंदोबस्त करना होगा, हट बनानी पड़ेगी, होटल बनाने पड़ेंगे,
उसके बाद ही टूरिस्ट को अगर लाएंगे हम, अगर वो चार दिन बैठेगा भी टूरिस्ट एंजॉय करने के लिए, अगर इस बार हम टूरिस्ट को लाएंगे, टूरिस्ट बर्फ में फंस गया, हम उसको वापस नहीं ला पाए, कहीं जाने जाए हो सकती है। बोलते किश्तवाड़ से आराम से टूरिस्ट आ सकता है, जिनको घूम करके वापस किश्तवाड़ फिर से जा सकता है। वो तो आते हैं हम जाने नहीं देते हैं। हम वो फैसला लेंगे ना, हम जाने देंगे। NHIDCL वहां रहेगी, मशीनरी वहां रहेगी, बर्फ जो एंजॉय करना चाहेगा टूरिस्ट उसको इजाजत दिलवाएंगे हम, वो हमारा काम है। लेकिन अगर कोई रहना चाहेगा तो आपको खुद मालूम है कि वहां रहने की कोई जगह नहीं। तो जो आज मदरसे में आग लगी छात्रों में, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? ये बदकिस्मती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हादसा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंस में मदरसे खाकस्तर हो गया। आज प्राइवेट बिल्डिंग दी थी मेरे दोस्त ने, फ्री ऑफ कास्ट उनको रहने के लिए दी थी, वो भी खत्म हो गई। वार्ड वन में इतने 100 के करीब घर जल गए, ये वो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। लेकिन मैं खड़ा हूँ, हम दरसगाह भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। आने वाला वक्त आपको खुद पता चलेगा हम क्या करने जा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे गरीब आवाम को इंद्रवाल? गरीब आवाम ने मुझे चुना है, मैं 24 घंटे उनके लिए खड़ा हूँ। टाइम देखो कितना है, अभी मैं बैठा हूँ और मैं सिर्फ जीतने के बाद, मैं जीत इलेक्शन में तो सोना नहीं था हमने, लेकिन मैं इलेक्शन जीतने के बाद भी अभी नहीं सोता हूँ, 1 घंटा सोता हूँ। मैं 5 साल के लिए उनका नौकर हूँ और एक नौकर की हैसियत से उनकी खिदमत करूंगा पूरे इंद्रवाल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। दोस्तों और साथियों, हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे थे इंद्रवाल के MLA प्यारेलाल शर्मा जी, और इन लोगों ने कहा कि हमें लोगों ने चुना है और हम जो है 5 साल लोगों की लगातार खिदमत करेंगे। नाजरीन बोर्डवाइज देखने और सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगीला।